नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराधा तुरान और आप देख रहे हैं एएनवी न्यूज। चौटाला परिवार की सियासत ईब एक ऐसी दौड़ होगी है जिसमें एक दूसरे ने पछाड़न की ओर है। वह कहावत भी है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। यह समीकरण अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला के बीच चल रहे हैं। अभय चौटाला ने 1 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में अपनी जन अधिकार यात्रा का आगाज कराया, तो वहीं 3 दिसंबर ने दुष्यंत चौटाला ने कुरुक्षेत्र में ही इंसाफ रैली का आयोजन कराया। यानी सियासत का यू महाभारत एक बार फिर कुरुक्षेत्र की धरती पर शुरू हो गया है। और यह जो महाभारत है या राज और सत्ता न लेकर है, दोनों सेना आमने सामने डट रही हैं और दोनों की मंजिल भी एक ही है, वो है जीत। जो जीत जाएगा वो सिकंदर को आवेगा और जो हार जाएगा वो इतिहास बन जाएगा। आज के युग में और उस युग में एक फर्क है। उस युग के अंदर तो महाभारत की लड़ाई को किस किसने देखा इसके बारे में कोई साक्षात नहीं है, लेकिन उसको इस तरीके से दर्शाया और दिखाया गया है कि भगवान कृष्ण ने पांडवों को जो उपदेश दिया था वो अन्याय के खिलाफ कैसे लड़ा जाए, उसके लिए उन्होंने उपदेश देने का काम किया। उस वक्त के आंदोलन को, उस वक्त के उस युद्ध को कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन हमने इस पावन धरा के ऊपर आज जिस नए युद्ध की शुरुआत करी है उसके साक्षी पूरे प्रदेश के लोग होंगे, उसके साक्षी पूरे प्रदेश की मीडिया होगी, उसके साक्षी जो है पूरे प्रदेश के नौजवान होंगे और उसके साक्षी देश के लोग भी होंगे। दरअसल इंडियन नेशनल लोकदल की लड़ाई इब करो या मरो के फॉर्मूले पे आ ली है। इब देखना यूं है कि करेगा कौन और सियासी तौर पे मरेगा कौन। यह लड़ाई इस टाइम चरम सीमा पे है। दोनों अपनी अपनी सेना और लाभ लश्कर ने एक दूसरे तय भारी करण की जुगत में है। और जन अधिकार इंसाफ रैली का नाम देकर दोनों ही धड़ कोई ना कोई संदेश देना चाहे हैं। लोकतंत्र सुरक्षा मंच के नाम पर अपनी अलग सियासत शुरू करने वाले कुरुक्षेत्र के सांसद राजकुमार सैनी भी क्षेत्र तय ही अपनी सियासत का पहिया घुमा रहे हैं और उनने भी 2 दिन पहले ही कुरुक्षेत्र में युवा चेतना सम्मेलन आयोजित कराया था। राजकुमार सैनी ने युवा और पिछड़े वर्ग और उन लोगों तय काफ़ी उम्मीद है, लेकिन दुष्यंत चौटाला के अलग पार्टी बनाने के बाद युवाओं का रुझान दुष्यंत चौटाला की तरफ चला गया। इसका नुकसान राजकुमार सैनी ने भी झेलना पड़ सका है। अपनी पारंपरिक सहयोगी इंडियन नेशनल लोकदल तय अलग होकर पहली बार हरियाणा के चुनावी पटल पर दस्तक दे रही है। शिरोमणि अकाली दल बादल खातर भी बड़ी चुनौती है, लिहाजा शिरोमणि अकाली दल बादल ने भी कुरुक्षेत्र तय ही अपनी नई पारी का आगाज करया है। सुखबीर बादल कुरुक्षेत्र में रैली करके सिख इलाके में अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के भी कई नेताओं ने कुरुक्षेत्र में रैलियां करके अपनी सियासी ताकत का अंदाजा करवा दिया है। हरियाणा की राजसत्ता किसने मिलेगी यूं तो आने वाला टाइम ही बताएगा, लेकिन इस बार भी सियासी महाभारत का केंद्र कुरुक्षेत्र की भूमि ही होगी। इस युद्ध में जो जीतेगा वो पांडु को आवेगा और जो हार जाएगा वो कौरव के नाम तय जाना जाएगा। लिहाजा अपनी अपनी पार्टी ने मजबूत बनाने की होड़ में सारे की चोटी में पसीना आ लिया है, यानी कि सर्दी में गर्मी का एहसास। इस खबर पे अगली अपडेट्स खातर देखते रहो एएनवी न्यूज। राम राम।